जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। मनों में हम इतने व्यस्त हो गए कि दिए पर हमारा ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या करें? हमारे घर के आसपास तो कोई घर भी नहीं है कि जहां से मैं अपने दिए के लिए तेल ला सकूं, और अगर कहीं गया भी तो लौटकर आने में देर हो जाएगी। और वैद्य जी ने कहा है हर आधे घंटे में मन्नू के सर पर ताजा ताजा लेप लगाने के लिए, और अगर नहीं लगाया तो मन्नू की जान को खतरा हो सकता है। समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। इस गुप्त अंधेरे में हम कैसे लेप तैयार करेंगे और कैसे लगाएंगे? अब तो बस एक ही उपाय है, हमें बस सब कुछ साय पे छोड़ना होगा। साय हमारी मदद कीजिए, इस मुश्किल से निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हमने आज ही आपकी भक्ति की है, कभी आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखी है, लेकिन आज अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। साई हमारी मदद कीजिए, साई हमारी मदद कीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, आ गए। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्ण कर लो, और फिर वहां जाकर उनकी मदद करो। ओ जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। मेरे साई।
ये आवाज कैसी? इतने सारे जुगनू घर के अंदर कैसे आए? हम जल्दी से मन्नू के लिए लेप बना लेते हैं। लेटे रहो बेटा, कैसा लग रहा है? पहले से बहुत बेहतर लग रहा है आई। मनु का बदन हल्का गर्म है, मतलब बुखार उतर रहा है। लक्षण शुभ, वैद्य जी ने कहा था जब ये बुखार उतरना शुरू हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब ये ठीक है, अब चिंता की बात नहीं है। जुगनू भेजने के लिए शुक्रिया भगवान। आओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से घर के अंदर इतने सारे जुगनू कहाँ से आए। इसके पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जुगनू अपने आप यहाँ नहीं आए साईं, इसे आप यहाँ लाए। इन्हें भेजने वाले आप हैं साईं। हमारी पुकार सुन के आपने हमारी मदद की है साईं। बहुत बहुत धन्यवाद साई, बहुत बहुत धन्यवाद। रमा,
सबका ध्यान रखने वाली का ध्यान कहाँ है? आज सुबह मुझे शिरडी आए हुए काफी दिन हो चुके हैं और मैं लगभग अब सबको देख चुकी हूँ, लेकिन जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो मैं हिम्मत हारने लगी हूँ। शायद जिसके लिए मैं यहाँ आई वो यहाँ है ही नहीं। चिड़िया का टूटा हुआ घोंसला? हाँ, जिसे बनाने के लिए चिड़िया को हजारों तिनके एक एक करके अपनी चोंच में उठाकर लाने पड़ते हैं। कितने दिनों की मेहनत लगती है और कभी कभी हवा का एक झोंका इसे तोड़ देता है, जैसे ये टूटा। लेकिन क्या तुम जानती हो रमा, फिर वो चिड़िया क्या करती है? क्या करती है आजोबा? चिड़िया फिर से कोशिश करती है जब तक वो सफल नहीं हो जाती। यही जीवन है बेटी, हौसला हारने से नाकामी के सिवा कुछ और नहीं मिलता है। लेकिन श्रद्धा और सबूरी से इंसान दुनिया जीत सकता है, इसलिए सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता मत करो रमा, तुमने अपने हिस्से का दुख झेल लिया है, अब राम जी खुद तुम्हारी मंजिल को तुम तक लाएंगे। पहचाना नहीं। मानो तो मददगार, ना मानो तो भी मददगार। चलो कहाँ? तुम्हारी मंजिल तक।
तुमने अब शराब भी पीना शुरू कर दिया? कल पहली बार शराब पी थी तात्या। सुना था कि शराब के नशे में इंसान सब दुख तकलीफ भूल जाता है। थोड़ी देर के लिए ही सही, मैं भी अपनी सारी परेशानियों को भूलना चाहता हूँ। परेशानियों को झेलते झेलते मेरी हिम्मत जवाब दे गई तात्या। मेरी परेशानी खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही। दुख तो नहीं भूला लेकिन रास्ता भूल गया। समझ में नहीं आ रहा कि यहां कैसे आ गया। जिनके दर पर तुम्हारे लिए आना गवारा नहीं था, कल रात तुम वही आए। और जिन पर तुमने कभी भरोसा नहीं किया, कल रात को उन्होंने ही तुम्हें आसरा दिया। साईं ने, सच कहूं तो तुम्हें तुम्हारी किस्मत यहां ले आई। ये ईश्वर का इशारा है कि साई के दर पर ही तुम्हारी सभी मुश्किलों का समाधान होगा। राह चलते तो कोई भी मदद करते, तुम होते तो तुम भी करते मेरी मदद। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी सारी समस्याओं का समाधान है तुम्हारे पास। रही बात कल रात की मदद की, तो साईं से धन्यवाद कह दूंगा। विचित्र है तुम्हारा चरित्र लक्ष्मीकांत। किसी के कहने पर तुम शराब जैसे व्यसन का सेवन कर सकते हो, वो शराब जिसने कई घरों को बर्बाद कर दिया, तुम उसे आजमा सकते हो। लेकिन जिस साई ने कई घरों को तारा है, उन्हें बिखरने से बचाया है, उन्हें आजमाने में इतना संकोच क्यों? अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है मेरे दोस्त। साई से तुम्हारी दूरी साई की तरफ से नहीं है। जाओ और उनसे अपनी सारी व्यथा कह दो। देखो लक्ष्मीकांत, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा हूं कि तुम आंखें बंद करके साई पर विश्वास कर लो। तुम्हारा दोस्त, इसलिए ऐसी अवस्था में मैं तुम्हें नहीं देख सकता। साईं तुमसे बड़े हैं, ये समझकर ही तुम उनसे अपना दुख बांट लो। शायद तुम्हें कोई ऐसा रास्ता मिले जो आज तक तुम्हें नहीं मिला। इतना सारा कपड़ा? ये कपड़े बाबा साहेब तारखंड ने दिए। वो साई के पास आए थे, उनकी आवाज चली गई थी, साई ने उन्हें ठीक कर दिया। वो बोलने लगे, इसलिए ये कपड़े उपहार स्वरूप उन्होंने साई को दिए हैं। साई कोई वैद्य नहीं है, फकीर है फकीर। लोगों को दवाई के नाम पे राख दे देते हैं। वो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना। अगर किसी रोगी की बीमारी किसी वजह से अपने आप ठीक हो जाए तो लोग समझते हैं कि साई ने ठीक किया। ठीक है, लेकिन साई है कहां? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.